हेलो फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस शीट। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस शीट में हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इन्हें अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इज, आई विल राइट हेयर नंबर वन, देन थ्री, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस ऑन बोर्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर ग्लास इट इज 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर ग्लास इट इज 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। So what is the refractive index of glass with respect to what? Okay, so let us write the given question, given conditions. You have details that refractive index of glass with respect to water, sorry, with respect to air is equals to 3/2 and refractive index of water with respect to air is equals to 4/3। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। देन टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? यू नीड टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के संबंध में हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, सो हाउ यू विल फाइंड दिस, आप इसे पता कैसे करेंगे? लेट अस टेक दिस वन। ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 3/2। आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी ट्रीटेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड आई विल से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज बेसिकली 1, ऐसा हमने सीखा है। जो वैक्यूम है, एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऑलमोस्ट 1 मानते हैं, सेम मानते हैं। देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन 3/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन 1, विच विल गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज 3/2। हम ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, सो आई विल से दिस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम 1 मानते हैं, देयरफॉर आई विल से 4/3 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1। सो यू विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज 4/3। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। नाउ वॉट वी नीड टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, सो आई विल राइट 3/2 अपॉन वाटर इज 4/3। वेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 9/8।
therefore I will say refractive index of glass with respect to water is equals to 9/8. So this is the answer. This was question number 1. Now we will discuss question number 3. Question number 3 says the speed of light in water is 2.26 into 10 to the power 8 meters per second. If speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meters per second, then calculate refractive index of water. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दी है वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट दे दी है वाटर में और कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. तो गिवन जो कंडीशन है हमें, गिवन इज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meters per second, then speed of light in water is equals to 2.26 into 10 to the power 8 meters per second. Now, what you need to calculate? You need to calculate refractive index of water. Refractive index of water. So, refractive index of water will be equals to speed of light in vacuum divided by speed of light in water or the medium. हमने ये formula पढ़ा है, किसी भी medium का refractive index हमें calculate करना है. So speed of light in vacuum upon speed of light in that medium, जो भी medium है. इस वक्त medium क्या है? Water. So I will say Nw, speed of light in water. So what is speed of light in air? Is 3 into 10 to the power 8 vacuum or air upon speed of light in water is 2.26 into 10 to the power 8. You can solve this. This 10 to the power 8, 10 to the power 8 cancel. This will be 300 upon 226. This will be 150. 113. So when you divide this, you will get Nw is equals to 150 upon 113, which can be calculated. इसको आप divide कर सकते हैं और divide करके it will come about 1 point something. So final answer will be 150 upon 130. So this is the refractive index of water in vacuum. Okay, this comparison was given with the vacuum. Okay, so this was the third question. Now we will discuss question number 5. Question number 5 says an object 10 cm high is placed 50 cm in front of a convex lens of focal length 20 cm. Find the position and size of the image and draw a ray diagram. Okay, I will repeat the question. Ek object hai jo ki 10 cm height ka hai, wo 50 cm ki duri pe rakha hua hai from a convex lens. और उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स. किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स. इट सेज फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. पोजीशन बतानी है और इमेज का साइज हमें बताना है. अब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर से पीछे रखा है. मतलब 50 सेंटीमीटर्स पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है,
तो इट मींस वो फोकस के पीछे है। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखा है, इट मींस डेफिनेटली जो इमेज फॉर्म हो रही होगी, दैट इमेज इज अ रियल इमेज। ऐसा हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। गिवन इट सेज, अब ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट से H1 से, विच इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स। देन 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की दूरी आपको दी हुई है, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर्स। देन इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसने बोला, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर्स, एंड यस दैट्स इट। सिर्फ इतना ही डेटा गिवन है, उसका ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है और फोकल लेंथ दी हुई है, एंड आपको कैलकुलेट करना है टू फाइंड। में क्या चीज फाइंड करनी है, साइज एंड पोजीशन। साइज फाइंड करना है और पोजीशन फाइंड करनी है। नाउ पोजीशन फाइंड करने का मतलब क्या, पोजीशन फाइंड करने का मतलब आपको इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपको यह बताना है कि इमेज कितनी दूरी पे फॉर्म होगी। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि इमेज कहां फॉर्म होती है। वी विल यूज सॉल्यूशन, वी विल यूज मिरर, सॉरी लेंस फॉर्मूला। हम यहां यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सेज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v। नाउ क्या इसे हम डायरेक्टली यूज कर लें, ऑब्वियसली नॉट, हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें एक चीज फॉलो करनी है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम इन तीनों गिवन डेटा के साइन कन्वेंशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेट से मैं कहता हूं कि दिस इज अ लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस कुछ फोकल लेंथ का। ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसा रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, जनरली आप मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा। बहुत रेयर केस ऐसा होगा जहां पे ऑब्जेक्ट इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बट हियर यू कैन कंसिडर ऑब्जेक्ट एज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापी जाएगी, ऊपर नापी जाएगी, दैट मीन्स दिस टर्म इज अ पॉजिटिव टर्म, ये टर्म एक पॉजिटिव टर्म है। देन सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा पोल से लेफ्ट तरफ में ही रखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। इट मीन्स अगर इस डायरेक्शन की मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेज नेगेटिव होते हैं, सो आई विल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज बेसिकली अ नेगेटिव टर्म, दिस टर्म विल बी अ नेगेटिव। देन व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई दिस इज पॉजिटिव, बिकॉज फोकस जो आता है वो इधर कहीं आता है, तो ये डायरेक्शन इस पोल से दिस वन, दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, सो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसीलिए फोकल लेंथ विल बी अ पॉजिटिव। नाउ यू कैन अप्लाई द टर्म्स, नाउ यू कैन गिव द डेटा इन दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला में अप्लाई करके देखते हैं। सो आई विल से 1/ फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो 1/20 विल बी इक्वल्स टू 1/v, वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज का हमें इस वक्त कोई अंदाजा नहीं, हमें नहीं पता कि इमेज जो है वो इधर बनेगी या इधर बनेगी, इट विल बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव,
ओके सो वी विल टेक बाय डिफॉल्ट एज पॉजिटिव, हम इसकी यूनिट इसके जो साइन कन्वेंशन है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ भी चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। सो देन वन अपॉन वी, आफ्टर वन अपॉन वी यू विल हैव वन अपॉन यू, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 50 सेंटीमीटर्स एंड इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। सो आई विल से माइनस वन अपॉन माइनस 50, दिस इज माइनस। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 50, देन 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट वी इज इक्वल्स टू 20 इंटू 50 अपॉन 30 विच इज 0 एंड 0, यू विल गेट 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स। सो फाइनली यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉलो करने के बाद भी वी जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर वी पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स वी किधर होगा, इस लेंस से इस तरफ, दैट इज इन राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ होगा। ओके सो पोजिशन ऑफ इमेज, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी थी। पोजिशन किधर है, पोजिशन विल बी 100 बाई 3 सेंटीमीटर्स टूवर्ड्स राइट ऑफ द पोल, पोल के कंपेरिजन में 100 बाई 3 सेंटीमीटर्स राइट डायरेक्शन में ये होगी। ओके सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड साइज। नाउ साइज फाइंड करना है मतलब, साइज फाइंड करना है मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसकी हाइट फाइंड करना है, दैट इज एच टू। आपको जो फाइंड करना है वो है एच टू। कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला विच इज नोन एज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। एम, वॉट एम सेज इट इज वी अपॉन यू और एच टू अपॉन एच वन। सो वी विल यूज दिस वन, दिस रिलेशन वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच टू अपॉन एच वन। V upon U is equals to H2 upon H1. Now, अब हम इसमें डेटा फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ओके V इज 100 अपॉन 3, लेट अस सब्स्टिट्यूट 100 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज U? U इज दिस वन, U इज 50 सेंटीमीटर बट इट इज नेगेटिव वैल्यू, सो U इज माइनस 50। आई विल राइट U इज एज माइनस 50 इज इक्वल्स टू एच टू। एच टू का साइन हमें नहीं पता इसलिए वी विल यूज बाय डिफॉल्ट एज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ले लेंगे तो जो भी अकॉर्डिंगली सॉल्व होकर आएगा दैट विल गिव यू द एक्चुअल साइन कन्वेंशन। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। एंड वॉट अबाउट एच वन, एच वन इज 10 सेंटीमीटर एंड इट इज पॉजिटिव, सो अपॉन 10 प्लस 10 दिस इज प्लस 100 बाय 3। Now, when you solve this, you will get this is 2, so 2 and H2 will be this is 2 upon 3 and this 10, so you will get 20 upon 3 with a negative sign. जब आप इसे solve करेंगे तो you will find कि H2 is equals to minus 20 by 3 centimeters. This will be minus 20 by 3 centimeters. So this will give you the height of image या size of image. So position अगर हमें लिखनी है, so position will be hundred by 3 centimeter towards right of साइज एंड पोजिशन। नाउ अब हमने देखा कि जो इमेज का साइज है वो 20 बाई 3 सेंटीमीटर तो है ही, लेकिन माइनस 20 बाई 3 सेंटीमीटर है। माइनस का मतलब
ये इमेज जो फॉर्म हो रही है ये इस तरह से हो रही है कहीं पे, समथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। तो पोजीशन हमने बताया 100/3 टुवर्ड्स द राइट ऑफ पोल एंड वी कैन से इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। एंड व्हाट अबाउट साइज, साइज ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस और सॉरी 20/3 सेंटीमीटर्स। साइज के केस में हम माइनस का उपयोग नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ फॉर्मूले के लिए हमें यूज करना है H2 का जो नेगेटिव साइन आ रहा है, अदरवाइज साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, माइनस साइन शोज ओनली द दैट इमेज इज इन्वर्टेड, नथिंग एल्स, इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होगी। सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर्स। पावर फाइंड करनी है एक कॉन्वेक्स लेंस की जिसका फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर्स। सो हाउ कैन वी फाइंड द पावर, क्वेश्चन नंबर 6। सो फोकल लेंथ अपने को गिवन है, फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर्स एंड लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सो व्हाट इज पावर, नाउ सेंटीमीटर्स में हमें फोकल लेंथ गिवन है, सो पावर विल बी इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर्स। मतलब जब फोकस फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में गिवन होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 100/f। जब फोकल लेंथ मीटर्स में गिवन होती है तब हम 1/f का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो हेयर वी विल यूज 100/f, 100/f विल गिव यू द फोकल पावर ऑफ दिस लेंस। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द पावर, यू विल से 100/25 बिकॉज f इज 25, सो यू सॉल्व दिस 4, therefore पावर विल बी इक्वल्स टू 4d, d रिप्रेजेंट्स डायोप्टर, सो आई विल से पावर इज 4d। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7, आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। 25 सेंटीमीटर्स, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन पता करना है और फोकल लेंथ दिया हुआ है एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है। फॉर्म्ड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। सो क्वेश्चन 7, लेट अस राइट द गिवन वैल्यूज। गिवन इज, नाउ आई विल डायरेक्टली राइट, अब मैं डायरेक्टली कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स में ही लिखते जाऊंगा। आई विल से फोकल लेंथ इज एफ, इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। सो आई विल राइट फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू प्लस 20 सेंटीमीटर्स। देन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स, देन डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 25। नाउ पोजिशन फाइंड करनी है एक ऑब्जेक्ट की जिसकी इमेज जो है वो रियल है। अगर इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब H2 जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव होगी। रियल इमेज है मतलब रियल इमेज जो बनी है वो पोल से राइट डायरेक्शन में ही फॉर्म होती है, ऐसा हमने देखा है। जब भी रियल इमेज बनेगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लेंस, हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें, अगर इसकी रियल इमेज बननी है तो रियल इमेज हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगी। सो दिस इज पोल,
सो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, मतलब v इज इक्वल्स टू प्लस 25 सेंटीमीटर्स. v is ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज. सो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज प्लस 25 सेंटीमीटर्स, जो कि उस डायरेक्शन में. नाउ एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना है. ऑब्जेक्ट का पोजीशन इज u मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. u इज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट को इधर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. हम हमेशा यही मानते हैं कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे चलने पे ही ऑब्जेक्ट तक पहुंचा जाता है. व्हाट डू वी यूज, यूज मिरर फॉर्मूला. हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला विच सेज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. 1/f में लिख देंगे 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v इज 25 माइनस 1/u एज इट इज. आफ्टर दिस यू विल से 1/u इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/20. When you solve this, you will get u is equals to minus 25 into 20 divided by 5. And solving this, you will get minus 100 centimeters. So we will say value of u, that is distance of object, is 100 centimeters. सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर्स. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट h2 एंड मैग्निफिकेशन ऑल्सो m. ओके, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट h2, बट वी विल कैलकुलेट h2 और मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है. हाउ वी विल फाइंड मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज m, विच इज इक्वल्स टू v अपॉन u. नाउ व्हाट इज v? v हमारे पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स and u is 100 centimeters. Therefore magnification is 100 in negative minus 100. So you will get magnification as minus 0.25. So magnification minus 0.25 है. तो यहाँ से हम ये चीज हम ऑलरेडी बता सकते थे कि अगर इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, दैट्स वाई मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव होना ही है. लेकिन मैग्निफिकेशन बड़ा है, वन से ज्यादा है या वन से कम है, इसको पता करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो कैलकुलेट करके हमने देखा मैग्निफिकेशन इज माइनस 0.25. सिमिलरली यूजिंग फॉर्मूला h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.25, यू कैन कैलकुलेट h2 ऑल्सो. h2 कैलकुलेट आप कर सकते हैं. ओके, h1 इज नॉट गिवन. सो इफ h1 अगर गिवन होगा तो हम h2 को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स. हमें एक ऐसा कॉन्केव लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर्स. दिस इज अ कॉन्केव लेंस. सो वी नीड टू कैलकुलेट द पावर. पावर होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स. बट अभी हम देख रहे हैं कि जो पावर कैलकुलेट हमें करना है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स इज गिवन. दिस फोकल लेंथ इज गिवन फॉर अ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ इज अ नेगेटिव फोकल लेंथ. कॉन्केव लेंस में हम मानते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है. दिस इज नेगेटिव फोकल लेंथ. व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज अगर आप डायग्राम स्केच करके देखें, सो समथिंग दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू विल फाइंड. और लाइट रे जब टकराती हैं तो वो इस सरफेस से टकराती हैं. दिस सरफेस, जब मैं इसकी फोकल लेंथ निकालूंगा तो वो इधर आएगी. तो पोल से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ विल बी अ नेगेटिव वैल्यू.
Now, power is equals to 100 upon minus 20, which will give you minus 5 diopters. So, therefore, I will say power is equals to minus 5d. D is for diopter. We have studied this minus 5 diopter. So, this is the solution for question number 8. Now, you can note this.